अरे धोरा मामारी रेलगाड़ी चाले, धोरा रे धोरा मामारी रेलगाड़ी चाले, ओ मारे बाबू रो टिकटिया रे मांगे रे यमा, अरे बाबू रो रे टिकटिया रे मांगे रे यमा, देवे नीरे गाड़ कीरो भाड़ी लाइव सुन के और मजा आएगा एंड दो दिन क्वेश्चंस थे मतलब आप म्यूजिक में किस कैसे इंटरेस्ट है आपको यार मैं ना म्यूजिक में मैं दोस्तों को देखता तो गाते हो ना मुझे बड़ा लगा यार वो गा रहे हैं मैं भी गा सकता हूँ तो मैंने भी आपसी आवाज़ में गाना शुरू किया तो वो उसने बोला यार तुम सीखो तो मैंने उसको बोला कि मुझे भी ले जाओ तो तुम्हारे पास कहाँ कौन से गुरु जी तो देन आई स्टार्टेड 1997-98 मैं तो सीखा नहीं है मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बट थैंक यू टू पहला सिंह के पाने जो हमारे जिनकी वजह से मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ और शबनम निर्माणी जो फिल्म मेकर है जिन्होंने कबीर पर इतनी सारी मूवीज बनाई एंड दूसरे मेरे मेंटोर मंसिर करके एनजीओ दिल्ली में खान मान में रवि गुलाड़ी तो इन तीनों का कुछ लोगों का हिस्सा होता है आपकी ज़िंदगी में आपका यू नो मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है तो ये तीन मेंटोर जैसे मिले उन्होंने बताया कि डायरेक्शन जो आप तेरा अच्छा कैसे गा लेते मैं अच्छा नहीं गाता मैं तो बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ लोगों को अच्छा लगता रहता है पता नहीं कैसे वो मुकुंद रामा स्वामी है जो वायलिन बजाते हैं रमन अय्यर है जो मैंडोलिन बजाते हैं जो केसी है हमको वर्ड टू वर्ड याद हो गाना गाते हैं फकीरी वहाँ उसमें इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्शन वो एक्चुअली वो रटा हुआ है पूरा इतनी बार सुन चुके हैं लूप पे उसको थैंक यू एंड हिमांशु जी को धन्यवाद मैम आई बिन लिसनिंग यू सिंस वन ईयर यूट्यूब पे पूरे टाइम ऑफिस में भी आपके वजन चलते रहते हैं इट इज अ स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस मीटिंग यू लाइव थैंक यू एंड मैम टू आस्क यू आपकी म्यूजिकल जर्नी शुरू कैसे हुई मैं जब 12 साल की थी तब से मैं सीख रही हूँ पहले एक 6 महीने आई लर्न कर्नाटक क्लासिकल उसके बाद क्योंकि मेरे फादर धारवाड़ में जो बनारस ऑफ द साउथ कहलाता है तो वहाँ पे कुछ दिन रहे और उन्होंने काम किया था तो उनको मालूम था कि धारवाड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ से गुरु जी आए थे बैंगलोर में उनसे मैंने सीखना शुरू किया उनका नाम सीआर भागवत है वहाँ से मेरी जर्नी शुरू मतलब आपको YouTube पे सुने और सामने देखे इट इज लाइक सीने बढ़ चुके हैं एंड गला भी मेरा ऐसे बैठ चुका है हेड्स ऑफ टू कबीर कैफे एंड स्टिल नेक्स्ट टू गो अब इधर नशे हो गए भाई नशे हो क्या आप बोल रहे हो एंड भाई एकदम बावड़ा हो गया डांस कौन से नाच तू स्टे टू एंड नो
इट इज वर्थ इट इट इज वर्थ इट सो यस सो इट वाज स्प्लेंडेड इट वाज रियली जस्ट माय सीकर सेकंड डे सुबह 3:30 बजे हम जगह पे आए थे एंड उसके बाद डे 3 नुनलोड एंड अबाउट टू एंड अभी मजे आ गए मतलब थक चुके हैं तबीयत भी खराब हो रही नींद आ रही है क्या बात कर रहा बट स्टिल वांट टू डांस सही बता पागल हुए एंड मतलब 8 तारीख तक है स्टिल वी मूव टू गो सो लेट्स सी आगे क्या होता है होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा जागृत रहना रे नगर में वन टाइम एक्सपीरियंस हम बस के ऊपर बैठे हैं अच्छा एंड सही बात है एंड देयर आर टू रूल्स फ्लाइंग ओवर द स्काई और आवेगा एक दिन काड आवेगा खुशी यार रहना रे नगर में चोर आवेगा जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा हो तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा हो अवत जात नजर नहीं आवे अवत जात नजर नहीं आवे स्टिल मतलब अभी जीप में आए एंड लुकिंग जी एक्सपीरियंस करी एंड नाउ आई एम विद द स्टेज टीम एंड फोटोग्राफी टीम मतलब साथ में भी हूँ एंड प्रॉब्ली आज रात के लिए निकल लेंगे फिर मैंने भी कहा देख तो मैं आइडियाज मैंने दिए थे इतने सारे जिसका आइडिया तभी कुछ भी काम नहीं किया है मैंने दिए थे आइडियाज बहुत ही घटिया अभी निकल रहे हैं हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए इश्यूज हो गए सो डे 6 पूरे दिन से कुछ व्लॉग नहीं करा डे 7 पूरे दिन से कुछ भी व्लॉग नहीं करा एंड मेरे पास कोई शॉर्ट्स नहीं है कल के भी आज के भी और परसों के भी सो मैं उठाने वाला हूँ चुराने वाला हूँ वरुण और से धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा धन दौलत और माल खजीना लास्ट डे है कबीर यात्रा का सो लेट अस सी पूरे दिन थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर रहे हैं सफ़र रहा इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस टोटल माइंड वॉश एंडली मैंने शॉट्स ले नहीं पाया खुद के ज़्यादा बोलते हुए एंड सिनेमेटिक शॉट्स ज़्यादा हैं
guys, sorry about that. And next vlog mein I'll properly try to do that. Ki wajah se, sir, thank you very much. Sabse pehle to aapki wajah se itna awesome experience raha hai. Lifetime mein aaj tak nahi kahi. Kahe kabiriya mulk viran.